आप देख रहे हैं थाने सरकार न्यूज सबसे तेज। इस समय हम चोपड़ा कोर्ट के परिसर के यहाँ पर खड़े हुए हैं। आमदार गणपत गायकवाड़ को कलवा से चोपड़ा कोर्ट में लाने वाले हैं। यहाँ पर पुलिस का कड़ा बंदोबस्त है, आप देख सकते हैं। मीडिया कर्मियों को भी चोपड़ा कोर्ट परिसर के यहाँ से बाहर निकाला गया है। वहाँ पर बंदोबस्त इतना तगड़ा है कि आजू बाजू की दुकानें पुलिस डिपार्टमेंट द्वारा बंद कराई गई है। यह दृश्य आप देख सकते हैं किस प्रकार से पुलिस यहाँ पर तैनात है। और ये चोपड़ा कोर्ट परिसर पुलिस छावनी में तब्दील हो चुकी है। तमाम मीडिया कर्मी और लोग यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं कि आमदार गणपत गायकवाड़ को चोपड़ा कोर्ट परिसर के यहाँ पर लाने वाले हैं। आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं, इस समय चोपड़ा कोर्ट में आमदार गणपत गायकवाड़ को लाया गया है। फ्रंट के रास्ते से न लाके हुए चोपड़ा कोर्ट परिसर के पीछे के रास्ते से उनको लाया गया है। तमाम मीडिया कर्मियों को वहां से बाहर निकाल दिया गया है। इतने मीडिया कर्मी यहां पर जमा है और हजारों की संख्या में आमदार गणपत गायकवाड़ के लोग यहां पर जमा हो गए हैं, मगर किसी भी व्यक्ति को आमदार गणपत गायकवाड़ से बात करने नहीं दी जा रही है। चोपड़ा परिसर की जो गेट है उसे भी बंद कर दिया गया है। लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर इतना बंदोबस्त क्यों लगाया गया है। किसी भी व्यक्ति को उनसे बात करने नहीं दी जा रही है। पूरा चोपड़ा कोर्ट परिसर पुलिस छावनी में तब्दील हो चुका है और चोपड़ा कोर्ट के अंदर आमदार गणपत गायकवाड़ को पुलिस घेराव करके अंदर लेके जा रही है। किसी को भी वहाँ पर फोटो तस्वीर खींचने के लिए मनाई की गई है। कोई भी व्यक्ति या मीडिया कर्मी वहाँ पर फोटो वीडियो नहीं खींच सकता। पुलिस के ऐसे सख्त आदेश थे, कोई भी व्यक्ति अंदर नहीं जा सकता था। हम इंतज़ार करेंगे कि आमदार गणपत गायकवाड़ जी को जब बाहर लाया जाएगा तो मीडिया उनसे बात करेगी, पुलिस उनको बात करने का मौका देगी, मगर हम वहां पर खड़े हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, शायद उन्हें वापस लाया जाए। तो हम देख सकते हैं आमदार गणपत गायकवाड़ को बाहर वापस लाया गया है। आप ये तस्वीर देख सकते हैं, आमदार गणपत गायकवाड़ को बाहर लाया गया है। वह मीडिया कर्मियों से अपने शुभचिंतकों से बात करना चाहते हैं, मगर आप देख सकते हैं ये तस्वीर, पुलिस डिपार्टमेंट के अधिकारी उन्हें बात करने से रोक रहे हैं, उन्हें ज़बरदस्ती गाड़ी के अंदर डाल रहे हैं, उन्हें कुछ बोलने का मौका ही नहीं दे रहे हैं। शहर की जनता ये जानना चाहती है आखिर आमदार गणपत गायकवाड़ क्या बोलना चाहते हैं, उन्हें क्यों रोका जा रहा है, उन्हें बात करने के लिए क्यों पुलिस मौका नहीं दे रही है, आखिर इसके पीछे कौन सी ताकत है जो पुलिस डिपार्टमेंट को ऐसा करने पर मजबूर कर रही है। आप ये तस्वीर देख सकते हैं, आमदार गणपत गायकवाड़ को जब चोपड़ा कोर्ट परिसर से बाहर निकाला गया। ये बात काफ़ी सोचने वाली है। गणपत गायकवाड़ जो कल्याण क्षेत्र के भाजपा पार्टी के आमदार है, कल से यह फायरिंग का मामला उल्लासनगर में चल रहा है, मगर उल्लासनगर के करीबन 22 पूर्व नगर सेवक और एक आमदार, यहां पर कोई भी व्यक्ति उल्लासनगर चोपड़ा कोर्ट के यहां पर नहीं पहुंचा आमदार गणपत गायकवाड़ से बात करने के लिए। ये बीजेपी पार्टी की यूनिटी दिखाती है कि सब नेता किस प्रकार से आपस में रिश्ता बनाए हुए है। ये आपके सामने की खबर है। चोपड़ा कोर्ट परिसर के यहाँ से खबर आई है कि आमदार गणपत गायकवाड़ को 11 दिन की पुलिस कस्टडी मिली है। 14 तारीख तक उनको पुलिस कस्टडी दी गई है। आइए जानते हैं उनके शुभचिंतक इस बारे में क्या कहते हैं। वैभव सेठ गायकवाड़ सीसीटेज मध्य तरी त्यांना घेण्यात तिथं उगत त्यांचा मुख्यमंत्र्यांच्या दबावाखाली त्यांना घेण्यात आलेलं आहे। म्हणजे मुलाचं नाव घेतो तुम्ही, तुम्हाला सेठ गायकवाडचं नाव नव्हतं, त्यांचा उगत त्यांच्यामध्ये त्यांचं नाव टाकण्यात आलेलं आहे, मुख्यमंत्र्यांच्या दबावाखाली त्यांचं नाव टाकण्यात आलेलं आहे। बस दुसरा याच्यात काय नाही।